जय हिंद बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत इंग्लिश विद हरि ओम सर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपरली कर रहे होंगे। जैसा आपको बताया कि अपनी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में इट इज पार्ट 9। वी हैव डिस्कस्ड ऑल पॉसिबल रूल्स एंड रेगुलेशन that are must to change direct speech into indirect speech। यदि इसमें फिर भी कोई चीज लेफ्ट है और एक्सरसाइज में आती है तो हम उसको वहीं कंसीडर करेंगे। ऑल द सेंटेंसेस दैट हैव बीन रिटन ओवर व्हाइट बोर्ड, दिस सेंटेंस हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बच्चों, ये जितने भी आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं वो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए सेंटेंसेस हैं। कोई भी सिंगल सेंटेंस नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक, चलो लेट्स कम, आइए। सी सेड आई बिगिन माय डे विद अ कप ऑफ टी। अब आप इसको देख रहे हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इट मींस इसका इन्वर्टेड कॉमा दैट से रिमूव होगा और सेड को सेड रहने देंगे क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, आई बिगिन माई डे विद अ कप ऑफ टी, मैं अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्या लग रहा है, ये हैबिट है। क्या है? हैबिट है। और हैबिचुअल एक्शन जब होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसका टेंस नहीं बदला जाता है। तो क्या इसकी इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी? इनडायरेक्ट स्पीच होगी सी सैड दैट क्यों यूज किया है इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए। आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो क्या लिखा जाएगा यहां पर? सी। अब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सी के साथ एस या ईएस फॉर्म यूज की जाती है। सी बिगिंस, माय इज फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस, सी का पजेसिव केस क्या होगा? हर डे विद अ कप ऑफ टी, विद अ कप ऑफ टी। इट इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड वन, इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो व्हाट टू डू सेड द पैसेंजर। हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट पहले हम लास्ट से शुरू करेंगे। क्या होगा? द पैसेंजर सेड, क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट, that if I is the first person changed to according passenger, he had the instruction manual, had so he had the instruction manual, I also first person, so according to passenger, he would know what to do, it is the indirect speech। थोड़ा यहाँ रूल जानेंगे कि हमने हेड को चेंज क्यों नहीं किया है। हेड पास परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से होता है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, पास परफेक्ट होता है। इसको चेंज नहीं करते हैं सर, हमने ये पढ़ा है। लेकिन ये पास परफेक्ट नहीं है बिकॉज देयर इज नो एक्शन। तो थोड़ा इसी में जुड़ेंगे। जब हमारे पास वॉज या वर्ब या हेड मेन वर्ब के रूप में हो, किसके रूप में हो? मेन वर्ब के रूप में हो, तब इनको हम चेंज नहीं करते हैं, वी डू नॉट चेंज। यदि ऐसा होता कि जैसे ही सैड
ही सैड आई वॉज देयर। तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी ही सैड दैट आई द फर्स्ट पर्सन चेंज टू ही वॉज देयर। हैड बीन नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट, हैड बीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ वॉज किस में है, मैन वर्ब के रूप में। इस चीज को आप नोट करेंगे, शायद ये डिस्कस नहीं हो पाया है। वॉज वर हैड मैन वर्ब कब होते हैं? जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो। देयर इज नॉट अ एक्शन इट्स ओनली एडवर्ब। सो जब ये मैन वर्ब बन जाते हैं, जब इनके साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है तब ये मैन वर्ब होते हैं। जब ये मैन वर्ब होते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनको चेंज नहीं किया जाता है डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पर हियर हैड इज द मेन वर्ब। इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो व्हाट टू डू। इसलिए इस हैड को चेंज नहीं किया गया है। मेरे पास यही स्पेस रहेगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए वीडियो पॉज करें और इस चीज को आप नोट करें। यदि आपके पास वॉज वर हैड किस फॉर्म में है, मेन वर्ब में है, किस में, मेन वर्ब के रूप में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको चेंज नहीं किया जाता है। इट इज द एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपने कॉपीज को कर लिया होगा। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड सेंटेंस डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट आपके साथ। देखिएगा, ही सैड आई नीडंट बी इन द ऑफिस टिल 10 टुमारो। तो क्या होगा, ही सैड दैट I is the first person change according to subject. He needn't is model and needn't को change नहीं करेंगे. In the office till 10. Dear student बताएंगे tomorrow किस में change होता है? The next day होगा। अगेन सुने, ही सेड दैट ही नीडंट बी इन द ऑफिस टिल 10 द नेक्स्ट डे। इट इज द थर्ड। ही सेड फोर्थ वन क्या रहेगा? ही सेड आई शैल गो एज सून एज इट इज पॉसिबल। तो क्या, ही सेड अब इनवर्टेड कॉमा किससे रिमूव होगा? दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही। तो ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल। ओके, हमेशा याद रखें इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का यूज नहीं करते हैं। एक स्पेशल केस है, वो आगे डिस्कस होगा। जनरली इसका यूज नहीं किया जाता है। ही और कोई भी सब्जेक्ट होता है वुड का यूज होगा। ठीक, एक और डियर स्टूडेंट बात सुने, ये दैट हमेशा ऑप्शनल रहता है। क्या रहता है? जब हमारे रेगुलर एग्जाम होते हैं, जब हम इंटरमीडिएट टेंथ या ग्रेजुएशन के एग्जाम देते हैं तो वह रिटन आंसर लिखते हैं, उस समय हम दैट का यूज करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, एंड जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो मोस्टली सेंटेंस बिना दैट के मिलेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, उसको आप नियम को बायकॉट मत समझ लेना, उसको गलत मत ठहरा देना, वो आपकी गलती बन जाएगी। इसलिए वहां पर ऑप्शन होते हैं ABCD, उसमें जो बेहतर होता है उसको चूज करना होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस।
ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए दैट है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, टेंथ के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, वो दैट लिखेंगे रिटन एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन में यह दैट नहीं है, फिर भी वो सेंटेंस ठीक होगा अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन। ओके, दैट इज ऑप्शन, ऑप्शनल है। He said, I will arrive at 7 p.m. today. क्या सेंटेंस रहेगी इसकी? इसकी सेंटेंस रहेगी फाइव वाले की, He said, there is no object, inverted comma, remove to that. I change according to he, so होगा he and लगेगा would and arrive at 7 p.m. today, change to that day. Okay, it is indirect speech. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी मेरे साथ इनको सॉल्व कर रहे होंगे और आप महसूस कर रहे होंगे कि आप जो सोच रहे हैं वही मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। My teacher often says to me, if you don't work hard, you will fail. Okay, इसकी indirect speech क्या रहेगी? Six वाले की। The teacher often says to me that if you is the second person change according to object, so I don't work hard. I don't work hard. You change into also I shall fail. Okay, I shall fail or will be हो सकता। अब ये हमने चेंज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं चेंज किया डोंट वर्क और इस फ्यूचर टेंस को? अरे बच्चों ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्क किस टेंस में है? प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में होती है तो टेंस नहीं बदला जाता है। एक और चीज नोट करेंगे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, यहां जो हम टेल्स करते हैं ना, टेल्स, ये अगर आपको ऑप्शन में सेज टू मी ही लिखा हो तब भी वो ठीक है। क्या है? ठीक है। जब ये कॉम्पिटिशन में ठीक किया गया है, राजस्थान के एग्जाम का क्वेश्चन है, वहां पर सेज टू मी ही लिखा है, यानी रिटन एग्जाम में हम टेल्स लिख सकते हैं, टेल्स भी ठीक है और न चेंज करें तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। अब आपको आज जान लेना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत क्यों पड़ी। डायरेक्ट स्पीच ही बना रहने देते, इनडायरेक्ट नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी डियर स्टूडेंट, दिक्कत थी, बहुत बड़ी दिक्कत है। Suppose that करो, My mother said to me, मेरी माँ ने मुझसे कहा, inverted comma शुरू, I love you very much, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा। अगर indirect speech नहीं हो और यही बात मुझे बाहर किसी से कहनी हो और मैं ये बात डायरेक्ट बोल दूं तो आप समझ रहे हैं उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। इसलिए वहां मुझे बताना पड़ेगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बात बोली गई है, आई लव यू वेरी मच, ये मेरी माँ ने मुझसे कहा है, न कि मैं आपसे कह रहा हूं। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत पड़ी है। जब हम किसी बात को ट्रांसफर करते हैं तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा ये बात किसने किससे कही थी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है,
इफ आई डोंट वर्क हार्ड आई शैल फेल, यानी सेज टू मी भी ठीक है और टेल्स भी ठीक है। ट्वेल्थ वाले बच्चे 100% टेल्स लिखेंगे, लेकिन ट्वेल्थ के बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो नियम से चिपके मत रहना। किस नियम से? कि सेज टू टेल्स होता है, अगर टेल्स नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच गलत है, ये बात अपने आप में गलत है। सेज टू, माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ आई डोंट वर्क हार्ड I shall fail, also write indirect speech. ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज को। She said you must not break your promise. इसकी indirect speech बनेगी। Seven sentence है। She said, कोई object नहीं है। She said that. You is the second person. देखिए आपको बताया previous video में you है। अब आप कंसीडर करो कि क्या है, उसने मुझसे कहा, मी कंसीडर करेंगे या मी मानकर चलेंगे, तो इसको चेंज हो जाएगा ये आई, और मस्ट का मस्ट रहेगा, नॉट ब्रेक योर, यू के साथ योर, आई के साथ माई प्रॉमिस। क्यों? योर इज द पजेसिव के सेकंड पर्सन, हमने मी माना है यहां पर, सपोज किया मी, तो मी का पजेसिव केस माई होगा। ठीक डियर स्टूडेंट, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हुई। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट स्पेशली पे अटेंशन। ओके, देंगे, देखिए ये मस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है। किसका है? मस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि मस्ट का यूज हमको कैसे करना है ये देखना है। देखिए मस्ट के दो नियम हैं कि मस्ट चेंज होता भी है और नहीं होता है, बस प्रॉब्लम यहीं आ गई। अब ये पता हो जाए कि कहाँ चेंज होता है कहाँ चेंज नहीं होता है तो समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा इसके पहला ई, इसका यूज है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी के लिए। किसके लिए? ड्यूटी के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन, यानी जब कोई ड्यूटी हो, नैतिक कर्तव्य हो, ऑब्लिगेशन का मतलब भी ड्यूटी होती है, नैतिक कर्तव्य हो, उस स्थिति में मस्ट इज नॉट चेंजिंग इन डायरेक्ट स्पीच, नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। जैसे इस सेंटेंस में था कि सी सेड दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माय प्रॉमिस, इसमें ये ड्यूटी है, क्या है? ड्यूटी है, वादा लिया गया, उसने कहा है तुम अपने वादे को नहीं, तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। सी सेड, उसने ये बात कही कि तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए, इसमें ड्यूटी आ गई, प्रॉमिस आ गया, इसलिए इसको चेंज नहीं किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? जब ये मस्ट बच्चों, जब ये मस्ट टेंस बन जाता है, क्या बन जाता है? टेंस शो करेगा तो या तो प्रेजेंट शो करेगा, इधर नहीं, जब ये प्रेजेंट शो करेगा, प्रेजेंट टेंस बताएगा, जब मस्ट को हम हैज टू या हैव टू में चेंज करेंगे, जब ये ड्यूटी ने बता करके, मोरल ऑब्लिगेशन ने बता करके टेंस बताएगा, तब इसे हैज टू एंड हैव टू में चेंज करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल, राधा सेज टू हिम आई मस्ट गो टू होम नाउ। ओके, दिस राधा सेज टू हिम आई मस्ट
गो टू होम नाउ। अब आप जरा सोचें इस चीज को, राधा का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो क्या होगा, राधा टेल्स हिम दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज टू राधा सी। अब बताइए, राधा अपने आप से ड्यूटी के लिए वो नहीं बोलेगी ना, ये ड्यूटी का भाव तो यहां था। उसने कहा आपको अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए, या राधा तो स्वयं कह रही है कि मुझे घर जाना है, इसका सेंस है अब मुझे घर जाना है, घर जाना चाहिए का सेंस जो भी आप लगाएं, लेकिन बट इसकी यहां पर जो हिंदी होगी ये मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, उसका प्रेजेंट टेंस है कि प्रेजेंट टाइम उसे घर जाना है, इसलिए इसकी इनडायरेक्ट जब बनेगी तो ये बनेगी सी मस्ट। अब कैसे पता चला ये प्रेजेंट है, सीज से पता चला ये प्रेजेंट है, कोई ना कोई ऐसा संकेत दिया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मस्ट प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। सी हैज टू क्या आएगा, सी हैज टू, यदि यहां प्लूरल होता तो हम हैव टू लेते, सी हैज टू गो टू होम। देन सभी कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट वेरी की पावर फोर इंपोर्टेंट ये रूल से मस्ट का इसको हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये आप समझ गए यहां तक, ये वीडियो को पॉज करके यहां तक आप कॉपी करें, इसके नेक्स्ट चलते हैं देखें। अब प्रेजेंट हुआ, पास्ट यदि होगा, यदि मस्ट पास्ट टेंस को शो करेगा तब यहां पर हम हैड टू में चेंज करेंगे। इसलिए आपने बहुत सारी बुकों में देखा होगा कहीं हैज टू है, कहीं हैड टू है, कहीं विल हैव टू है, वुड हैव टू है, कहीं मस्ट का मस्ट है, ये सब क्रिएशन करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्या करें क्या ना करें, ऐसा क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आज आप देख लीजिएगा आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। यदि पास्ट है, देखिए पास्ट कैसे पता चलेगा, ही सैड आई मस्ट डू इट। अब जब आप इसकी इनडायरेक्ट कर रहे होंगे, ही सैड दैट, अब आई चेंज टू फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो ही कभी सेम सब्जेक्ट सेम से वादा नहीं करेगा, ड्यूटी नहीं शो करेगा, उस समय वो टेंस शो करता है। सैड इज पास्ट, ये पास्ट की बात हो गई, इसलिए मस्ट विल चेंज इनटू हैड टू डू इट, हैड टू डू इट। ये छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं और आपको परेशान कर जाते हैं। देखिए बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन में पीजीटी एग्जाम में ये 13 सेंटेंस आया है, ही सेड आई मस्ट गो टू होम, और मोस्टली ऑप्शन ए पर जो आप चेंज करते हैं मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, वो लगा था, लेकिन वो ज्यादातर स्टूडेंट का गलत होता है। आप समझ गए सेड क्या बता रहा है, सेड ये बता रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच जो बोली गई है पास्ट की घटना है, किसकी घटना है, पास्ट की, इसलिए हमने किस में चेंज किया, हैड टू में। इट्स नॉट ड्यूटी, इसकी पहचान, ये दोनों सब्जेक्ट सेम हो जाएंगे आपके, कोई हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेंटेंस हो, लेकिन आपके ज्यादातर सेंटेंसेस में ये सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, नहीं है तो उसका सेंस ये निकलना होगा, ये ड्यूटी नहीं टाइम है, ये ड्यूटी नहीं टाइम है। पॉज करें और नोट करें, नेक्स्ट इसका देखते हैं फ्यूचर क्या है, फ्यूचर, एक फ्यूचर के लिए टेंस हो करती है मस्ट, यदि फ्यूचर होगा, फ्यूचर तो आप विल हैव टू या वुड हैव टू का यूज करेंगे, जैसे ही सैड, फिर एग्जाम्पल ले लो I must go to Agra tomorrow.
आई मस्ट गो टू आगरा टुमोरो। अब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो क्या ही सेड दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज टू ही, तो ही सेम हो गया। इट मींस ये कोई ड्यूटी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो मस्ट विल कन्वर्ट इनटू विल हैव टू या वुड हैव टू, बिकॉज टुमारो ये शो कर रहा है कि ये फ्यूचर है, इसलिए आप यहां चेंज करेंगे किसमें वुड हैव टू में, किसमें करेंगे वुड हैव टू में करेंगे। वुड हैव टू ज्यादातर रहता है, वुड हैव टू, बिकॉज यदि यहां प्रेजेंट में ये वर्ब होती, किसमें होती प्रेजेंट में वर्ब होती, सॉरी ये सैड है, ये पास्ट है, क्या ये पास्ट है, लेकिन टुमारो शो कर रहा है कि स्टेटमेंट किसका है फ्यूचर का है, इसलिए वुड हैव टू गो टू आगरा टुमारो, किसमें चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे। तो डियर स्टूडेंट आप समझ गए कि अगर मस्ट दिया हो तो आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, इसको रफ करते हैं। ठीक है, ये मस्ट का कॉन्सेप्ट था, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलेंगे ही सेड, नेक्स्ट है एट सेंटेंस है, ही सेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट लगाया आपने, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू अकॉर्डिंग ही। अब आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं अपने दांत दिन में दो बार साफ करता हूं, तो इसका मतलब ये हैबिट है, क्या है, तो ही के साथ क्लींस लगेगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस, ही का पजेसिव केस क्या हुआ, हिज टीथ ट्वाइस अ डे, ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है, नाइन सेंटेंस, ही सेड टू मी तो हुआ ही टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट ही एंड डोंट बिलीव, तो डिडंट बिलीव हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, BELIE बिलीव यू इज द सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा मी आएगा, यहां क्या आएगा मी। ओके, एंड सेंटेंस 10, आई एम गोइंग टू दिल्ली ही डिक्लेयर्ड। अब देखिए ऐसे बड़ा है डिक्लेयर्ड, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जो आप टोल्ड करते हो उसकी जगह पर लगाया है, तो आप लिखेंगे ही डिक्लेयर्ड। यदि आपके ट्रेडिशनल वर्ड से हटकर के अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ड दिया है, जैसे सेड टू, सेज टू एंड शेड टू, ये नहीं है बल्कि कुछ कोई और वर्ड है, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, उसे ज्यों का त्यों रखेंगे। दैट ही डिक्लेयर दैट आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट सो ही एंड वा आई एम गोइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा वाज गोइंग टू दिल्ली। ओके, ये हुआ, आप इसे समझ गए होंगे, कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज को रफ कर रहे हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 10 सेंटेंस, वी हैव कंप्लीटेड सेंटेंस 11 सेंटेंस क्या कह रहा आपका, ही सेड माय मदर वाज कुकिंग फूड व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर बच्चों का गलत होने वाला यही क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो माय मदर वाज कुकिंग फूड ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये लगा देंगे बेटा नहीं, ये टू एक्शंस आर हैपनिंग इन द पास्ट,
ये भी पास्ट में हो रहा है, ये भी पास्ट में हो रहा है, इसलिए नो चेंज इन टेंस क्या रहेगा? ही सेड दैट। माई इज फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस ही के अकॉर्डिंग रहेगा। हिज मदर वॉज कुकिंग, कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। वॉज कुकिंग फूड। वाइल जब माई किसके अकॉर्डिंग? ही। आई इज फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब क्या होगा? वाइल ही वॉज स्टडिंग, वाइल ही वॉज स्टडिंग। माई मेरे सभी चैंपियन एक साथ सभी चैंपियन। शेड का सेड क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट क्यों आया? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ। हिज क्यों आया? क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसलिए हिज। और वॉज कुकिंग को चेंज क्यों नहीं किया? बिकॉज देयर आर टू एक्शंस आर हैपनिंग इन द पास्ट एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स। इफ देयर आर टू एक्शन विच आर हैपनिंग इन द पास्ट, वी डोंट चेंज देम व्हेन वी कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलेंगे। 12th sentence क्या कह रहा है? She said that if I is the first person change to subject she were rich, I change according to she would help him। ये भी आपका सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ऑफन एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सेंटेंस है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। व्हाई? जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच में इस टाइप की चीजें दी हो, ये अनरियल चीजें हैं, यानी आई के साथ वर का यूज है, ये ऐसी कंडीशन होती है, काल्पनिक कंडीशन होती है। यदि ऐसा है तो वी डोंट चेंज द टेंस, तब हम टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे यदि होता इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ चीफ मिनिस्टर, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर यू। ओके, तो कहने का मतलब जितने में भी आई के साथ वर लग रहा है या ही के साथ वर लग रहा है, तो ये सब इफ के साथ अनरियल कंडीशन बनाते हैं। कैसी बनाते हैं? अनरियल कंडीशन यानी इफ आई वर अ चीफ मिनिस्टर तो आई वुड हेल्प यू डे एंड नाइट। ओके, तो दैट मींस अनरियल कंडीशन हुआ, हिंदी में कहते हैं काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। आप इंसान हैं, चिड़िया कैसे हो जाएंगे? तो ये आपकी क्या है डियर? कल्पना है। यदि कल्पना है तो उसे कल्पना ही रहने दो, इनडायरेक्ट बना करके उसे वास्तविकता में चेंज मत करो, ठीक है? इसलिए इसका कोई टेंस चेंज नहीं होता है। या हैड बीन दिया जाता है ए ऑप्शन पर, ए ऑप्शन पर क्या होता है? हैड बीन, और वही गलत होता है। नेक्स्ट है, आपने देख लिया होगा इसको, आगे चलते हैं। ठीक, मेरे लिए इतना ही स्पेस है। ठीक, यहां पर हम आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, 13 सेंटेंस। He said that I is the first person changed to he. अब he is same हो गए, तो must is not a obligation, यानी must को change करना होगा। Said बताता है past है, इसलिए होगा had to। He had to go to home. Okay? And 14th sentence है, सारिका सेड एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। ये इट्स अ वेरी इजी, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट
कॉन्टिनेंट इट इज अ क्या है, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यहां केवल आप दैट लगा दो, क्या लगा दो, दैट लगा दीजिएगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड